पिच ऑफ साउंड, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा है, पिच बेसिकली जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसकी इंटरप्रिटेशन है फ्रीक्वेंसी की। हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, कानों से आवाज सुनी, ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, उसको आवाज तीखी लगी, वो कहेगा पिच ज्यादा है, पर एक्चुअल में फिजिक्स के अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अपीयर्स श्रिल एंड इज सेड टू बी हाई पिच, और लो फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली फ्लैट है लो पिच पे। हाई पिच इसलिए है क्योंकि ऑसिलेशन तेज तेज हो रही है, नंबर ऑफ वेव्स बहुत जल्दी बन रही हैं, और लो पिच का मतलब स्लो ऑसिलेशन है। साउंड वेव के कुछ फैक्ट्स हैं, पहला ऑल साउंड वेव मे नॉट ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, SHM वेव हो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर ऑल फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 Hz to 20 kHz, ये ऑडिबल रेंज है कानों की। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज 20 kHz से ऊपर है, बैट्स है, बैट्स बीट्स नहीं, बैट्स कैन हेयर 100 kHz की फ्रीक्वेंसी, बैट्स करेक्शन करो, BATS बैट्स, ठीक। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, बहुत किस्म की फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, उनमें से पहली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल, और बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स, कर लिया हमने। और मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक बोलते हैं, तो वही कह रहे हैं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज नोन एज हार्मोनिक, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया।